हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी टेट का जो जूनियर लेवल का एग्ज़ाम हुआ है उसका साइंस और सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं। आप पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन 91 से स्टार्ट करते हैं आपका। क्वेश्चन 91 क्या है पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, एक्रिलिक। अदरक रूपांतरण है, किसका रूपांतरण अदरक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दो, तने का। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, जो वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं वो, उसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अंडाशय से। ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम प्रजनन करता है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए फर्न सही होगा। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? तो जो इसमें आंसर सही होगा आपका ए फर्स्ट, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? जो गैर संचारी रोग नहीं है, रिकेट्स इसमें सही आंसर है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीन, फफूंद से। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा विटामिन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। डीएनए कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दो, कोडोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है वो है सिलिकॉन, आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल का निम्नलिखित गुणों का प्रयोग किया जाता है, उसका आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठतनाव। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? इसका आंसर है आपका ए, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? जो खनिज नहीं है वो धातु पूछी थी, तो इसका आंसर है आपका डीलिमोनाइट्स। निम्नलिखित में से धातु में से कौन सा द्रव है? जो धातु द्रव है वो पूछा था, इसमें आंसर है आपका बी, ब्रोमीन। निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व तो रेडियम की खोज की? तो इसका आंसर है आपका चार, मैडम क्यूरी ने। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? जिस स्टोन कैंसर होने का कारण है उसका कारण आपको बताना था, तो इसका जो स्टोन कैंसर का आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ए, अम्ल वर्षा। ब्राइन स्किन है, ये बेटा ध्यान देना आपको, ब्राइन है। ब्राइन क्या है? NaCl का संतृप्त विलयन को आप ब्राइन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए जो प्रयुक्त गैस है वो कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका दो, एसिटिलीन। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? जो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो 78% है। ओजोन क्या है? तो ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक अपरूपक है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग बी है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी वो 4 है, p² / 2m। 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोध समांतर श्रम में जुड़े हैं, 15 वोल्ट की बैटरी के द्वारा जोड़ा जाता है, तो परिपथ में धारा कितनी होगी? एम्पियर दिया है जहाँ पर ए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, 6 एम्पियर। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है? जो लोह चुंबकीय पदार्थ है इसका आंसर आपका 3 है, निकिल। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। जब एक कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ते हैं तो किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा? आवेश उत्पन्न होगा आपका जो होगा ऋण आवेश। एक घूमते हुए समतल दर्पण आपतित किरण 60 डिग्री है उसका कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? समतल दर्पण पर आपतित कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो डिग्री कोण कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीनतम स्रोत है? तो वो है आपका भूजल, ऑप्शन नंबर ए सही है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? mv/v, तो mv से v कट जाएगा, जो आपका बचने वाला है वो द्रव्यमान सही होगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10^9 सेंटीमीटर के। निम्न से एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटजेन ने एक्स किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन एवं अन्य विषय संबंधी, इस शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, उपयुक्त सभी मानसिक विकास। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, PV सिंधु। दालों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो दालों में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वह प्रोटीन। LSD के सेवन से होता है, तो LSD के सेवन से जो रोग होता है वो मानसिक विभ्रम है। क्वेश्चन देखते हैं। व्यायाम का लाभ है, व्यायाम से क्या लाभ होता है? उपयुक्त सभी व्यायाम से लाभ होता है, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि। वृत्त आलेख उपयोगी है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, विभिन्न महिलाओं की तुलना करने के लिए, विभिन्न महिलाओं की
तुलना करने के लिए। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा के सुधार पर हाल ही में NCF का आधार पात्रक बल किसके चीज के लिए दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दो, परीक्षा निष्पादन पर। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है आंसर नंबर 4, उपयुक्त सभी, ये सभी सही होंगे। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को, इसका आंसर है 4, सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चित्रक द्वारा हुआ है, आंसर नंबर 2 होगा संबोधि। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, इसकी पुष्टि किस अभिलेख से हुई है, दोस्तों इसका आंसर आपको जल्दी ही कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, भीमबेटका। आत्मसभा स्थापना किसके द्वारा की गई है, आंसर है आपका ए, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, आंसर होगा आपका फर्स्ट लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा, आंसर है आपका 4, अकबर सेकंड के। हिंदू विधवा बिल अधिनियम कब पारित हुआ, जिसे हिंदू कोड बिल बोला जाता है, 1856 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो भारत का शासक था जहांगीर। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे, आंसर होगा आपका ए, कुबतुद्दीन बख्तियार काकी। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था, आंसर है आपका बी, बाबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना की सबसे हास हुआ है, जनगणना हास यानी परसेंटेज में हास हुआ है, वो आपका नागालैंड। हैदराबाद नदी किस नदी पर स्थित है, जो हैदराबाद है, हैदराबाद शहर मूसी नदी पर स्थित है। कोयला एक उदाहरण है अवसादी सेल का। वे दो ग्रह जिनके अपने उपग्रह नहीं है, बुध एवं शुक्र। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये, अरब सागर में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोदान कहा जाता है, तो भूमध्य रेखा क्षेत्र को विश्व का फलोदान कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे संसार की छत कहा जाता है, ज्यादातर बच्चे इस आंसर को डालते होंगे, आंसर आए है पामीर के पठार। निम्नलिखित में कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आंसर फर्स्ट सहारा। क्वेश्चन नंबर 119 है, पाकल दूल पनबिजली परियोजना कहां पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है, आंसर होगा आपका 3, गेहूं। नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आंसर होगा आपका बी, ब्रसेल्स में। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किसकी भाषाओं का उल्लेख है, कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, प्रस्तावना का भाग जो नहीं है वो है आपका संघात्मक, यह प्रस्तावना में नहीं है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, वाद विवाद। प्रथम उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन से सम्मिलित नहीं है, तो आंसर है आपका 3, दर्शन शास्त्र। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ज्यादातर बच्चे इसको जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस नाव के संधि का भारत सदस्य नहीं है, तो इनमें से किसी भी नाव के संधि का भारत सदस्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप। हाल ही में कहां शांति स्थापना है, तो भारतीय सैनिकों की संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है संयुक्त रूप से, तो उसका आंसर है आपका डी, दक्षिण सूडान। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकरण नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों ये शख्स जो क्वेश्चन है संशय में है, हो सकता है बोर्ड इसको काट दे। वास्तविकता की बात करें तो जो दिए गए हैं ऑप्शन वो सारे ही UNO के एजेंसी हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन था, 1 हेक्टर में कितने सेंटीमीटर की पानी की मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर होगा 3, 10,000। केला का कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर 3, तने द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता रोही है, जो पानी को जल्दी सोखता है, आंसर हो जाएगा आपका यूरिया।
खेत में हरी खाद की काटने की टाइम क्या है, कब काट देना चाहिए ताकि उसका खेत को फायदा मिले, उसकी खाद लग जाए फूल आने से पूर्व की अवस्था। फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जोली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट, फलों के रस का थक्का बनाना। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर चार, लिकोपीन। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। नींबू का फल प्रचुर होता है सिट्रिक अम्ल का। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर दो है, नागपुर में स्थित है। अचर स्वर कौन सा है? तो से और पे अचर स्वर कहलाते हैं। राग रमन किस थाट से उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका तीन, कल्याण से। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन होगा इसका दो, लय। गय मै पै नी धै सै नी पै स्पै करके दिया गया था, किस राग का स्वर समूह है? राग रमन का। झंडा ज्ञान विश्व विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। थायराइड में निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है? इंसुलिन। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्न में से कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी को। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सी है? उथली चिकनाई विधि। 2 वर्ष से 6 वर्ष की बच्चे की आयु को जो कार्यकाल होता है, जो समय होता है, उसे क्या कहते हैं? शैशवावस्था। जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का कारण क्या है? उपयुक्त सभी, मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक, उपयुक्त सभी। दोस्तों इस तरह हमने दो आपको साइंस और सामाजिक विज्ञान का हल दे दिया है। जल्दी ही हम आपको नेक्स्ट हल लेकर आएंगे दोस्तों। उससे पहले प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।